एनी नजर। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने झुंझुनू दौरे के दौरान सड़कों पर बह रहे पानी से जताई नाराजगी। सीवरेज के अधूरा कार्य को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा शहर में गंदे पानी की व्यवस्था को जल्द ठीक किया जाए। पानी का जगह जगह मुझे जो रोड पे पानी भरा हो लगा हो, गंदा पानी रोड पे जो जमा है उसका आगे तक आपके जो है गणेश चौक और आगे पीठ तक जो है मिटाया गया है। कुछ जगह इसमें जो है RUIDP का लिखे। बयाना में सुरक्षा सखियों संघ थाना प्रभारी ने की बैठक। इस बैठक के दौरान सुरक्षा सखियों ने अपने कार्यानुभव किए साझा। महिलाओं से संबंधित आपराधिक घटनाओं के चलते नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा एजेंसियों सुरक्षा सखियों के तौर पर सौंपा गया है कार्य। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने पदभार संभालने के बाद बयाना के कई पुलिस थानों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का आचार संहिता का पालन करते हुए काम करने की नसीहत दी है। साथ ही कहा कि ये वर्दी एक जिम्मेदारी है, इसे बखूबी निभाया जाए। कानून सम्मत कार्रवाई करें और पुलिस जो आचार संहिता है उसका पालन करें और बिल्कुल किसी भय बिना भय के और अपना कार्य करें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु कानून सम्मत कार्रवाई करें किसी भी रूप में, गैर कानूनी कार्य में। जयपुर में बिना नंबर प्लेट लंबोर्गिनी दौड़ा रहा था युवक, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 5,000 का चालान। कार को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ ने विजयनगर में भव्य श्री राधा कृष्ण मंदिर का किया शिलान्यास। इस्कॉन भक्तों की उपस्थिति में भव्यता के साथ हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विधायक राकेश पारिक और कांग्रेस नेता संग्राम सिंह ने दिया मंदिर निर्माण में सहयोग। बाड़मेर जिला के रामदेवरा से पहली बार कोई दुल्हन हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने ससुराल के लिए हुई विदा। हेलीकॉप्टर देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीण, हेलीकॉप्टर के आसपास पुलिस बल रहा तैनात। रामपुर बुशहर में युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन, समस्या को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस प्रशासन ने बनाई रणनीति। SDM सुरेंद्र मोहन ने दी जानकारी, कहा नशे से दूर रहने के लिए युवाओं की होगी काउंसलिंग। यहाँ के जितने भी बड़े विद्यालय हैं सभी के प्रधानाचार्यों से, शहर के बड़े लोगों से हमने विस्तार से चर्चा की है और उन इश्यूज के ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरह से हमने, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की समस्या हो, बच्चों के सामने जो हमारी ट्रैफिक की जो समस्या है अभी रामपुर में, ताकि किसी बच्चे उसका शिकार ना हो, दुर्घटना का शिकार ना हो, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि क्या हमें करना है, किस तरह से हमें करना है और जो ड्रग अब्यूज़ की समस्या है कैसे हमने उससे निपटना है उसके ऊपर आज डिटेल में हमने। बिलासपुर में खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। राजेंद्र गर्ग ने कहा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खनन माफिया और शराब माफियाओं को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में भी कांग्रेस को लोगों ने बुरी तरह से पिछली बार नकारा था और कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रदेश के अंदर
विभिन्न प्रकार के माफियों का पोषण हुआ, उसका पर्दाफाश हुआ था। और आज भी जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस के संरक्षण में माफिया बढ़ रहे थे, उसके ऊपर हमारी सरकार ने पूरी तरह से लगाम लगाई है। नालागढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, एटीएम को बनाया निशाना। हालांकि चोरी की वारदात में असफल रहे हैं चोर, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। एटीएम की चोरी नहीं हुई है, पर एटीएम को ब्रेक करने की कोशिश की गई है और हमने उसमें अभियोग भी पंजीकृत कर लिया है। उसमें कल मैं भी स्वयं मौके पर गया था, जनाब डीवाईएसपी साहब भी मौके पर गए थे, तो कैश कोई निकला नहीं है, लेकिन वो ब्रेक जरूर किए हैं एटीएम, तो उसमें गहनता से जांच कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र ही अभियुक्तों को। हिमाचल में अगले साल होने वाले चुनाव में लड़ेगी शिवसेना, उतारेगी अपने 25 से 30 प्रत्याशी। नूरपुर में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने जानकारी दी। बैठक में जो है आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई और साथ ही पार्टी का जो है कैसे हिमाचल में विस्तार किया जाए और इसकी एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता देख रही है, उसके बारे में जो है।